बच्चों आज हम आपको आपकी इंग्लिश क्लास वर्ड गेट सेट इंग्लिश का चैप्टर 5 आपका आज चलेगा। तो इसमें हमने आपको वर्ड मीनिंग लिखवा दिए थे, सभी आपने याद कर लिए होंगे, और चैप्टर 4 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। अब आज पढ़ते हैं एनिमल्स स्कूल। जैसे कि बच्चों का स्कूल होता है, ऐसे ही एनिमल्स स्कूल भी होता है, ये इसमें चैप्टर में बताया गया है। तो देखिए बच्चों, आप पढ़ेंगे इसको, आपको बहुत मज़ा आएगा। एनिमल स्कूल, एनिमल मीन्स क्या होता है, जानवर, और स्कूल मीन्स विद्यालय, जानवरों का विद्यालय। पढ़िए आप, दिस इज ए स्कूल, यह एक स्कूल है। दिस इज ए स्कूल फॉर एनिमल्स, यह स्कूल जानवरों के लिए है। बेबीज ऑफ एनिमल, जानवरों के जो बच्चे हैं, कम टू दिस स्कूल, इस विद्यालय में आते हैं। दे सिट ऑन द बेंचेस, और बेंचों पर बैठते हैं। मिसेस क्रेन, श्रीमती क्रेन इज द टीचर ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल की अध्यापिका है। टुडे मीन्स आज, सी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं। सी इज राइटिंग, वह लिख रही हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह सुप्रभात, यानी सुबह की नमस्ते बोल सकते हैं, सुप्रभात बोल सकते हैं। मिसेस क्रेन सेज, मिसेस क्रेन कहती हैं, से गुड मॉर्निंग, क्या बोला उन्होंने, गुड मॉर्निंग द पपी, से पिल्लों ने कहा, वो ऐसे तो बोलते हैं पिल्ले। द किटन सेज, किटन मींस होता है बिल्ली के बच्चे, तो वो क्या बोलेंगे, म्याओ म्याओ, उनकी ये भाषा होती है, इसी तरह से वो बोलते हैं, तो वो जवाब दे रहे हैं गुड मॉर्निंग का। मिसेज क्रेन गोज टू द लैम्प, अब मिसेज क्रेन जाती हैं मेमना के पास में, यानी भेड़ के बच्चे के पास में। शी सेज, वह कहती हैं, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहो, सुप्रभात कहो। द लैम्प सेज वाह वाह। द काफ सेज, काफ कहते हैं बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है, इसको काफ बोलते हैं। मो मो, ऐसे बोलते हैं बछड़े, ऐसी प्रकार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं वो अपनी भाषा में। मिसेज क्रेन गोज टू द चिक, अब मिसेज क्रेन जाती हैं मुर्गी के बच्चे के पास में। एंड सेज, से गुड मॉर्निंग, और कहती हैं गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अब इसमें नेक्स्ट पेज देखें। द चिक सेज, और मुर्गी बच्चा कहता है क्लक क्लक। मिसेज क्रेन गोज टू द डकलिंग, अब बतख के बच्चे के पास मिसेज क्रेन जाती हैं। सी से, मिसेज क्रेन कौन है यहाँ पर, एक टीचर हैं। सी सेज, वह कहती हैं, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहो। तो डकलिंग सेज, डकलिंग क्या मुर्गी, उसके बतख के बच्चे क्या कहते हैं, क्वैक क्वैक, वो अपनी भाषा में बोलते हैं गुड मॉर्निंग को, क्वैक क्वैक। मिसेज क्रेन इज वेरी प्लेज्ड, और मिसेज जो क्रेन थी वह बहुत प्रसन्न हुई। सी सेज, उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों हैव सेड, और सभी बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दे हैव सेड इन देयर ओन वे, उन्होंने अपने अपने तरीके से सभी ने गुड मॉर्निंग कहा। आपको भी अपने बड़ों से सुबह उठते हैं जब गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, और रात में सोते समय गुड नाइट बोलना चाहिए। तो ये बहुत एसेंशियल वर्ड्स हैं जिनको हमें अपने दैनिक जीवन में काम में लेना चाहिए। हैव ए नाइस डे बच्चों।